रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। यदि आप हिमाचल आने का प्रोग्राम दिल में है और इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो वो आपको कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि मार्च और फरवरी और मार्च है, इसके अंदर आने के क्या फ़ायदे हैं, मैं 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आप सुनेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपका जो बैग पैक है और प्लान है वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। एक प्रो टिप भी बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारी टीम के साथ घूमना चाहें तो इंस्टाग्राम और ईमेल से हमें संपर्क कीजिएगा। इसमें अपने मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपके जो यात्रा कार्यक्रम आइटनरी डिजाइन करने में हमें हेल्प मिल सके आपकी, और आपके अनुरूप ही आइटनरी डिजाइन हो सके। पहला जो टिप है, इस समय बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है हिमाचल। हिमाचल में मनाली, शिमला, डलहौजी या कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो न्यू ईयर के ऊपर एक जो रूम होता है उसकी रेंट होती है कम से कम 5,000 रुपये, और अभी आपको वही रूम 500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। इतना अंतर आ जाता है। इसको चेक करने के लिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और मेरे भी वीडियो आपको हेल्प करेंगे, पुराने वाले वीडियो जो नव वर्ष के आसपास डाले गए हैं। और हम बात करें कि सबसे ज़्यादा खर्चा होता है कैब के ऊपर और रूम के ऊपर। यदि आप घुमक्कड़ हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि खाना तो हम घर पर भी खाते हैं और घूमने वाले स्थान पर भी खाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है रूम और कैब्स, जो जिसके द्वारा आप आसपास के टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करते हैं। तो इनका खर्चा बहुत कम हो जाता है क्योंकि ये लगभग ऑफ सीजन सा ही रहता है। और दूसरा है ट्रैफिक कम, दूसरा बिंदु है ट्रैफिक कम। यदि आप अपने घर से टूरिस्ट डेस्टिनेशन आ रहे हो तो बस या वोल्वो है या कोई भी कैब आप हायर करेंगे, वो इस समय चीपेस्ट बजट के अंदर आएगी। यदि आप मनाली आ रहे हैं, शिमला आ रहे हैं, डलहौजी आ रहे हैं या आपकी पसंदीदा स्थान पर आ रहे हैं, तो ट्रैफिक भी कम होगा, समय और जो मनी है, यानी टाइम और मनी है, दोनों की बचत होगी। और साथ में जिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, मान लीजिए शिमला, तो वहाँ कुफरी, नारकंडा, वहाँ यदि आप कैब हायर करोगे तो कम समय के अंदर, कम पैसे के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। यदि मनाली के संदर्भ में हम बात करें तो मनाली के अंदर सबसे नज़दीकी जो एक्सप्लोर करने का स्थान है सोलांग वैली। सोलांग वैली के अंदर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं और सीज़न के अंदर आप देखेंगे तो सीज़न के अंदर 2-3 घंटे लग जाते हैं, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा रहता है। और इस समय फरवरी और मार्च में आएंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि 10-15 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे, क्योंकि 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यदि फरवरी मार्च में आएंगे तो आपको प्रो टिप नंबर एक बता देता हूँ। प्रो टिप नंबर एक ये है कि इस समय सभी स्नो रिलेटेड एक्टिविटी चालू रहती है, बाकी समय आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ आपको सोलांग वैली की बात करें, कुफरी, नारकंडा की बात करें, डलहौजी की बात करें, तो आपको यहाँ स्कीइंग, ट्यूब राइड, मोटर बाइक जिसको माउंटेन बाइक या एटीवी बोला जाता है, स्नो स्कूटर, जोरबिंग, रोपवे और पैराग्लाइडिंग वो भी चालू रहती है, और साथ में याक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और स्नो ट्रैक भी अवेलेबल होते हैं। तो ये फ़ायदा रहेगा और इसका रिगार्डिंग हमने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया है, कितना चार्जेस सभी का जो मैंने बोला उनका चार्जेस क्या रहता है और कितना टाइमिंग रहता है, उसको आप देखना चाहें तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। थर्ड पॉइंट है वेदर कंडीशन। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इस समय वसंत ऋतु का आगमन होता है, जो सबसे प्यारी ऋतु होती है, सीजन होता है ऑटम। तो इसमें आप यदि आएंगे तो आपको अच्छा फील होगा, लेकिन रात को, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से आपको ठंड लग सकती है, रात को तापमान माइनस में जा सकता है। और मनाली, शिमला की डलहौजी और भी आप डेस्टिनेशन
जहाँ भी जा रहे हैं तो उसका वेदर ज़रूर चेक कर लें। लेकिन मैं हिमाचल की बात करूँ तो गर्म कपड़े पहन के ज़रूर आइएगा, या आप यहाँ भी खरीद सकते हैं। यहाँ खरीदेंगे तो आपको अभी सस्ता मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ सीज़न टूरिस्ट कम आते हैं। पता नहीं कम क्यों आते हैं, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कम क्यों आते हैं। और फोर्थ पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, फोर्थ पॉइंट इसका सबसे मैं टॉप पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि इस समय आपको यदि बर्फ़ देखनी है और स्नोफॉल देखनी है, बर्फ़ और बर्फ़बारी, स्नो और स्नोफॉल, तो ये सबसे बेस्ट सीज़न होता है। भीड़ भी कम होती है और स्नोफॉल भी आपको देखने को मिल सकता है। और आपको हम बता दें कि हमारा चैनल स्नोफॉल प्रेडिक्शन करता है और वो ज़्यादातर 100% सही रहते हैं, तो हमारे चैनल के अकॉर्डिंग आप आएंगे तो आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है। और हमने कई स्नोफॉल प्रेडिक्शन किए हैं जो काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और इसके अलावा आप बर्फ़ तो मिलेगी ही मिलेगी, मार्च तक बर्फ़ कहीं नहीं जाने वाली है। अब की बार तो ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है मनाली और शिमला में, तो शिमला की बजाय मनाली के अंदर ज़्यादा आपको बर्फ़ मिलेगी और हर समय बर्फ़ आपको मिल जाएगी। पांचवा जो टिप्स है वो केवल और केवल फरवरी और मार्च के संदर्भ में ही है, क्योंकि इस समय यदि आप इग्लू स्टे करना चाहते हैं तो इग्लू स्टे इस समय ही आपको सबसे सस्ता मिलेगा। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है सेपरेट, विश्व का सबसे सस्ता इग्लू स्टे, वो देखना चाहें तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल देता हूँ और उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इग्लू पिघल जाते हैं। इग्लू मेल्ट होने से पहले उसको आप स्टे कीजिएगा, फरवरी और मार्च का टाइम सबसे बेस्ट है। अब हम प्रो टिप की बात करें, स्पेशल टिप की बात करें, तो स्पेशल टिप यदि मैं मनाली के संदर्भ में बात करूं तो इस समय सभी स्थान खुले रहते हैं, अटल टनल भी, सोलांग वैली भी और हमटा पास भी। और बंद कौन सा रहता है, केवल और केवल रोहतांग पास बंद होता है, जो जून के लास्ट में खुलने की संभावना रहती है। और चैनल पर अपडेट मिलते रहेंगे। साथ में आपको बता दें हमारी टीम के अंदर MBA इन टूरिज्म जैसे टीम सदस्य हमारी टीम के अंदर मौजूद है, उनके जो नॉलेज का फ़ायदा हम ले सकते हैं। और एक विशेष बात, इस समय स्नो ट्रैक भी प्रारंभ हो जाते हैं, जो जिनके वो एक्सपर्ट हैं उनका भी आपको सहयोग मिलेगा। हिमाचल के अंदर स्नो ट्रैक अब प्रारंभ होने वाले हैं और प्रारंभ होंगे तो उसकी हम सूचना दे देंगे। और साथ में छोटे वाले जो ट्रैक है वो चालू हो चुके हैं, और साथ में आपको हम जानकारी दे देंगे कि आप यदि आना चाहें तो हमारी एक्सपर्ट टीम का सहयोग आपको, गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से भी मिलता रहेगा। और चैनल पर कोई भी क्यूरी है तो पूछ सकते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।